हे हेलो वेलकम टू केमेस्ट्री एटो सो देखिए इस पर्टिकुलर वीडियो में बात करेंगे क्रिस्टल फिल्ल स्प्लिटिंग की ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाए हुए हैं ऐप के ऊपर वो वीडियोस में मैंने आपको ये सब डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में कैसे स्प्लिटिंग होती है किस तरीके से जो पाँच ऑर्बिटल्स होती हैं उसमें से सेट ऑफ टू ऑर्बिटल्स ऊपर चला जाता है सेट ऑफ थ्री ऑर्बिटल्स नीचे चला चला जाता है ट्रिपल डी जनरेटेड डब्ल्यू डी जनरेटेड क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग किसे कहते हैं किस तरीके से लिगेंड आके करता है तो ये प्रीवियस वीडियो था जहाँ पर मैंने सारी चीज़ें डिस्कस कर रखी हैं हमने ऑर्बिटल्स के बारे में डिस्कस किया क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या होता है उसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है और तीन सबसे बड़े एजमसिन जो हमने क्रिस्टल फील्ड थियरी में लिए थे मैंने वो सब प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया ना इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि जो हम क्रिस्टल फील्ड स्प्लेटिंग पढ़ते हैं उसमें कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेश्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हम उसको डिस्कस करेंगे ना अगर ये आप ये वीडियो यूट्यूपे पे देख रहे हो तो मैं आपको बता दूँ कि ये वीडियो मैं यूट्यूब पे शेयर करने वाला हूँ और ये जो तो वीडियो है मेरे कोऑर्डिनेशन uh, केमिस्ट्री का जो कंप्लीट कोर्स मैंने मेरे अपने ऐप पर बनाया हुआ जहाँ पर पूरा कॉर्डिनेशन केमिस्ट्री स्टार्टिंग फ्रॉम इलेवन ट्वेल्थ स्टैंड से लेकर मास्टर्स लेवल तक का जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो सब मैंने वहाँ पर कवर कर रहा हूँ मैं धीरे धीरे एक एक, एक 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 वीडियो डाल डाल के तो ये वहाँ का एक वीडियो है ठीक है ना लेट अस से कि आपने क्रिस्टल फील्ड थियोरी में अब तक क्या पढ़ा आपने पढ़ा कि ऑक्टा हेड्रल कॉम्प्लेक्स की मैं बात कर रहा हूँ कि अगर मान लीजिए आपका मेटल सेंटर में खड़ा होता है और आपके पास अगर सिक्स लिगेंड्स आते हैं सिक्स अलग अलग डायरेक्शन से सिमेट्री में आते हैं तो आपके वो तीन ऑर्बिटल्स होते हैं जो बच जाते हैं और दो ऑर्बिटल्स होते हैं वो दो ऑर्बिटल्स होते हैं जिन पर आपका लिगेंड आके डायरेक्टली फेस ऑन फेस आकर खड़ा हो जाता है जिसमें से एक ऑर्बिटल होती है आपकी डी एक्स स्क्वायेयर वाई स्क्वायर ऑर्बिटल और एक ऑर्बिटल होती है आपकी डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल मतलब मैं यूँ कह सकता हूँ लिगेंड के आने से पहले तक लिगेंड अगर नहीं आया है तो पाँचों के पाँचों ऑर्बिटल्स की एनर्जी हमेशा सेम रहेगी यानी दे आर डी जनरेटेड दे, दे आर डी जनरेटेड डी जनरेटेड का मतलब होता है हैविंग सेम एनर्जी दे आर डी जनरेटेड ऑर्बिटल फाइव डी जनरेटेड ऑर्बिटल अगर मैं इन पाँचों डी जनरेटेड ऑर्बिटल्स का एनर्जी लिखना स्टार्ट करूँ इन पांचों डी जनरेटेड ऑर्बिटल का कुछ तो एनर्जी होगा ऐसा तो नहीं है कि एनर्जी जीरो हुआ होगा उनका अगर वो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी एक्स वाई वाई जेड जितने भी पांच ऑर्बिटल्स हैं दे मस्ट बी हैविंग सम अमाउंट ऑफ एनर्जी और पांचों का एनर्जी इक्वल होगा पांचों का एनर्जी इक्वल होगा क्योंकि अभी तक तो कोई लिगेंड आकर खड़ा नहीं हुआ तो क्या मैं यूँ लिख सकता हूँ एनर्जी ऑफ एक्स वाई प्लस एनर्जी ऑफ वाई जेड प्लस एनर्जी ऑफ एक्स जेड प्लस एनर्जी ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एनर्जी ऑफ जेड स्क्वायर इज इक्वल टू फाइव टाइम्स एनर्जी बिकॉज हम सबकी एनर्जी इक्वल है तो पांच एनर्जी हम फॉर अ टाइम बिंग इसको ज़ीरो मान लेते हैं क्या मान लेते हैं जीरो मतलब हमने हमारे स्केल पे ये वाई एक्सेस है कैन यू सी दिस वाई एक्सेस हमने यहाँ पे इनकी कुछ तो एनर्जी है जितनी भी उनकी एनर्जी है कितनी एनर्जी है फाइव टाइम्स एनर्जी है बिकॉज अगर ये ई e है इसका भी एनर्जी ई e है इसका भी ई e है इसका भी ई e है इसका भी ई e है, e है तो टोटल एनर्जी फाइव टाइम्स ई हो गई हमने उस टोटल एनर्जी को मान लिया फाइव ई e, और फाइव ई e को हमने कंसिडर कर लिया है जीरो है ना मुझे एक और बात बताइए अगर मान लीजिए यहाँ पर क्रिस्टल फील्ड स्प्लेटिंग हो जाती है डिमिन बाई फील्ड स्प्लिटिंग अगर छह लिगेंड आकर वहां पर खड़े हो जाते हैं तो छह लिगेंड्स क्या करेंगे दो ऑर्बिटल्स को जो कि डी जेड स्क्वायर और डी स्क्वायर वाई स्क्वायर है उनको अलग कर देंगे और आपके आफ्टर आफ्टर स्प्लिटिंग कहना एनर्जी ऑफ जेड स्क्वायर विल बी इक्वल टू एनर्जी ऑफ एक्स स्क्स वाई विल बीवल टू एनर्जी ऑफ वाई जेड विल भी एकवल टू एनर्जी ऑफ एक्सैड भाई ये तो हमने पढ़ा है स्प्लिटिंग में तीन ऑर्बिटल जो होती हैं उनकी एनर्जी कम हो जाती है और दो ऑर्बिटल होती हैं उनकी एनर्जी ज़्यादा हो जाती है ये दो ऑर्बिटल वो होती हैं जो एक्शियल्स होती हैं और ये तीन ऑर्बिटल वो होती हैं जो नॉन एक्शियल ये कौन सी होती हैं ये एक्शियल ऑर्बिटल्स होती हैं एक्शियल ऑर्बिटल्स फेसिंग लिगेंड फेसिंग लिगेंड और ये कौन होती हैं ये होती हैं नॉन एक्शियल ऑर्बिटल्स नॉन एक्शियल ऑर्बिटल्स अवे फ्राम लिगेंड अवे फ्राम लिगेंड आयोज समझ में आए और ये जो आपने लिखा था ये लिखा था आपने बिफोर स्प्लिटिंग यानी जब लिगेंड नहीं आए होते हैं बिफोर स्प्लिटिंग और ये हो गया आपका आफ्टर स्प्लिटिंग वाला केस ठीक है अब मुझे एक बात बताऊँ अगर इन दोनों की एनर्जी सेम है तो मैं एक काम करता हूँ मैं इसको रिप्रजेंट कर देता हूँ ई जेड स्क्वायर के साथ और अगर इन दो तीनों की एनर्जी सेम है स्प्लिटिंग होने के बाद जो मेरे पास पांच ऑर्बिटल थी एक दो तो, तीन चार पाँच उसमें से दो ऑर्बिटल सेम एनर्जी की और तीन ऑर्बिटल कम एनर्जी की ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ऑर्बिटल ये डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और ये डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल ये डी एक्स वाई ये डी वाई जेड और ये डी एक्स जेड ऑर्बिटल हो गई ठीक है इसकी जितनी भी एनर्जी थी पाँचों की जो एनर्जी थी उसको हमने क्या मान लिया था उस एनर्जी को हमने जो कि हमारा फाइव टाइम्स एनर्जी था उसको हमने जीरो पॉइंट मान लिया था क्या मान लिया था जीरो पॉइंट अब मुझे एक बात बताओ इस एनर्जी इन दो ऑर्बिटल्स की एनर्जी बढ़ गई है इन तीन ऑर्बिटल्स की एनर्जी कम हो गई है इनके बीच का जो गैप होगा इनके बीच का जो गैप होगा उसको यूजुअली हम क्या लिखते हैं डेल्टा ई लिखते हैं डिफरेंस इन एनर्जी हम उसको डिफरेंस इन एनर्जी नहीं लिखेंगे हम उसको लिखेंगे डेल्टा ओ डेल्टा रिप्रेजेंट डिफरेंस एंड ओ यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है ऑक्टा हेड्रल क्या रिप्रेजेंट करता है ऑक्टा हेड्रल तो हमने क्या कर दिया रेदर देन राइटिंग डेल्टा ई हम वहाँ पे क्या लिखेंगे डेल्टा ओ अब इन दोनों ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने इसको चूज कर लिया और इन तीनों ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक ऑर्बिटल को चूज़ कर लेते हैं लेटेस्ट से डी एक्स वाई को चूज कर लेते हैं अब मुझे बताइए डेल्टा ई e, या मैं जिसको कहूँ डेल्टा ओ मुझे बताइए कितना होगा आफ्टर स्प्लिटिंग द डिफरेंस बिटवीन द टू एनर्जी लेवल कितना हो जाएगा बड़ा सा सिंपल है सर ई जेड स्क्वायर ई जेड स्क्वायर माइनस ई आपका एक्स वाई एनर्जी एक्स वाई तो ये आपका डी नहीं होगा मैं यहाँ मुझे ई e लिखना पड़ेगा ई एक्स वाई करेक्ट है एक और काम करते हैं एक छोटा सा मैथमेटिकल इन दोनों तरफ हम टू से मल्टीप्लाई कर देते हैं यानी कितना हो जाएगा टू टाइम्स डेल्टा ऑक्टा हेड्रल टाइम्स ई जेड स्क्वायर माइनस टू टाइम्स ई एक्स वाई तो मैं इसको लिख देता हूं ये जो था ये ये मेरे पास हो गया इक्वेशन नंबर टू और ये हो गया मेरे पास इक्वेशन नंबर वन यहाँ से मैं इसको हटा के इसको यहाँ पहले लिख देता हूँ यहाँ ऊपर ये हो जाएगा आपका बिफोर स्प्लिटिंग बिफोर स्प्लिटिंग ये आपका इक्वेशन बन गया ना एक और मुझे चीज़ बताना है मुझे पता है स्प्लिटिंग होने के बाद जो आपका एक्स वाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर ऑर्बिटल है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ऑर्बिटल और जेड स्क्वायर ऑर्बिटल्स है उनका एनर्जी सेम ऊपर बढ़ जाएगा और ये जो तीन ऑर्बिटल हैं ये जो तीन ऑर्बिटल हैं इनका एनर्जी तीनों का मतलब इन तीनों का एक ग्रुप होगा और इन दोनों का एक ग्रुप होगा क्या मैं इसी इक्वेशन को जो इक्वेशन नंबर वन है क्या इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ यहाँ पर कि जैसे हमने इन तीनों का हमें को बताया आफ्टर स्प्लिटिंग इन तीनों एक जैसे होने वाले हैं तो क्या मैं इनको लिख सकता हूँ थ्री टाइम्स एनर्जी एक्स वाई प्लस टू टाइम्स एनर्जी जेड स्क्वायेर इज़ ऑल्सो इक्वल टू फाइव टाइम्स एनर्जी इज इक्वल टू जीरो सी मैं मानता हूँ बिफोर स्प्लिटिंग ये तीनों एक जैसे हैं तो मैंने इन तीनों को रिप्रेजेंट करने के लिए बिफोर स्प्लिटिंग ये पाँचों एक जैसे हैं तो मैंने इन तीनों को जो कि ये ई एक्स वाई है ई वाई जेड है और ई एक्स जेड है तो मैंने इसको सिर्फ फाइव टाइम्स ई एक्स वाई से थ्री टाइम्स ई एक्स वाई से रिप्रेजेंट कर दिया इन तीनों का एक ग्रुप बना दिया और इन दोनों को जो कि ई जेड स्क्वायर था जेड स्क्वायर था और ई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर था इन दोनों का मैंने एक ग्रुप बना दिया दिस इज टू टाइम्स एनर्जी जेड स्क्वायर से रिप्रेजेंट कर दिया तो एट द एंड ऑफ द डे आया तो फाइव टाइम्स एनर्जी ना और वैसे भी मुझे पता है बिफोर स्प्लिटिंग तो सब सेम होगा तो थ्री टाइम्स ई एक्स वाई प्लस टू टाइम्स ई जेड स्क्वायर कुल मिला के फाइव टाइम्स एनर्जी आएगा बिफोर स्प्लिटिंग आफ्टर स्प्लिटिंग ये दोनों अलग हो जाएंगे और आफ्टर स्प्लिटिंग ये तीनों अलग हो जाएंगे क्योंकि ये मुझे इसीलिए मैंने उसको थ्री और टू में कन्वर्ट कर दिया समझ में आया और इसीलिए मैंने यहाँ पर यहाँ मल्टीप्लाई किया हुआ है मैंने यहाँ दोनों ऊपर इसको भी टू से मल्टीप्लाई किया आफ्टर स्प्लिटिंग वाला केस है ये बिफोर स्प्लिटिंग वाला केस है मैं इसको इक्वेशन नंबर वन बना देता हूँ इसको इक्वेशन नंबर टू बना देता हूँ सी मुझे एक बात बताओ ये इक्वेशन तुम्हें क्या रिप्रेजेंट करता है ये इक्वेशन तुम्हें ये बता रहा है कि बिफोर स्प्लिटिंग बिफोर स्प्लिटिंग अगर आप देखो यहाँ पे तो तीन ऑर्बिटल ई एक्स वाई का उसके जैसे तीन ऑर्बिटल और जेड स्क्वायर जो है वैसे दो ऑर्बिटल दोनों को मिला दिया जाए तो फाइव टाइम्स एनर्जी आती है मतलब इन सबका एनर्जी सेम है एंड जिसको हमने जीरो मान लिया है आफ्टर स्प्लिटिंग यहाँ पे ये तीन ऑर्बिटल्स अलग हो जाते हैं ये दो ऑर्बिटल्स अलग हो जाते हैं इन तीनों की एनर्जी सेम होती है दैट इज ई एक्स वाई इन दोनों की एनर्जी सेम होती है दैट इज ई जेड स्क्वायर इन दोनों की एनर्जी के बीच में जो डिफरेंस आएगा उसको हम डेल्टा ऑक्टाहेड्रल कहेंगे डेल्टा ई से रिप्रेजेंट नहीं करेंगे डेल्टा ऑक्टाहेड्रल से रिप्रेजेंट करेंगे ऑक्टाहेड्रल क्योंकि हम ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग की बात करें सिर्फ ई लगा देता तो कन्फ्यूजन क्रिएट होता हम किस किस की एनर्जी की बात करें ऑक्टाहेड्रल की तो डेल्टा अपने आप में बता देता है कि वो एनर्जी डिफरेंस है अब मैंने यहाँ पे बता दिया ई जेड स्क्वायर माइनस ई एक्स वाई फिर मैंने यहाँ टू टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया अब मुझे एक बात बताओ कैन यू

प्लस टू टाइम्स ई जेड स्क्वायर ई जेड स्क्वायर ये था जीरो का मतलब माइनस और टू टाइम्स डेल्टा ऑक्टाहेड्रल किया क्या था टू टाइम्स डेल्टा ऑक्टा हो जाएगा टू टाइम्स ई जेड स्क्वायर माइनस टू टाइम्स ई एक्स वाई ये हो गया ओपन करो ब्रैकेट्स को तो ये तो हो जाएगा माइनस टू टाइम्स डेल्टा ऑक्टाहेड्रल डिफरेंस ठीक है और ये हो जाएगा थ्री टाइम्स ई एक्स वाई प्लस टू टाइम्स ई जेड स्क्वायर माइनस टू टाइम्स ई जेड स्क्वायर माइनस टू टाइम्स ई एक्स वाई अब देखो प्लस टू टाइम्स ई जेड स्क्वायर माइनस टू टाइम्स ई जेड स्क्वायर ये हो जाएगा कैंसिल फाइनली आपके पास आंसर क्या बटेगा थ्री टाइम्स ई एक्स वाई माइनस टू टाइम्स ई एक्स वाई अरे रे तो ये हो जाएगा फाइव टाइम्स ई एक्स वाई और ये हो जाएगा माइनस टू टाइम्स डेल्टा ऑक्टा तो अगर मुझे अब एनर्जी ई एक्स वाई निकालनी हो एनर्जी ऑफ ई एक्स वाई विल बी माइनस टू डिडेड बाई फाइव ऑक्टाहेड्रल एंड वॉट इज टू डिवाइडेड बाई फाइव अगर मैं टू को फाइव से डिवाइड करूँ टू डिवाइडेड बाई फाइव आंसर निकल के आएगा माइनस जीरो पॉइंट फोर डेल्टा ऑक्टाहेड्रल विल बी एनर्जी ऑफ एक्स वाई आई होप आपको ये लॉजिक समझ में आया सो so, ये आपने बहुत बार देखा होगा दिस इज़ एनर्जी ऑफ ई एक्स वाई एनर्जी ऑफ ई एक्स वाई होती है माइनस माइनस ज़ीरो पॉइंट फोर डेल्टा ऑक्टाहीड्रल होती है ये जो एनर्जी होती है माइनस जीरो पॉइंट फोर टाइम्स डेल्टा ऑक्टा इसका मतलब क्या है सर इसका मतलब ये है कि अगर ये दोनों के बीच में इस एनर्जी लेवल और इस एनर्जी लेवल के बीच में एनर्जी डिफरेंस अगर डेल्टा ऑक्टा हेड्रल है इन दोनों के बीच में एनर्जी डिफरेंस अगर डेल्टा ऑक्टाहेड्रल है और अगर ये उसका जीरो पॉइंट है अगर ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट है ये इससे ऊपर उठ के गया इससे नीचे उठ के गया तो इसकी जो एनर्जी होंगी डी एक्स वाई की अब वो डी एक्स वाई की कि डी वाई जेड की कहूँ या डी एक्स जेड की कहूँ बात तो एक ही हो गई क्योंकि तीनों की एनर्जी सेम है तो वो टू फिफ्थ ऑफ तो टोटल डिफरेंस होगी समझने की कोशिश करना अगर मान लीजिए इन दोनों के बीच में जो गैप है ये एनर्जी ऑफ एक्स वाई है और ये एनर्जी ऑफ जेड स्क्वायर है यहाँ पे दो ऑर्बिटल्स होंगी ऑब्वियसली और यहाँ पे मान लीजिए तीन ऑर्बिटल्स होंगी और टोटल एनर्जी गैप जो है टोटल एनर्जी गैप मान लेते हैं अगर मैं कहता हूँ ट्वेंटी जूल्स का है तो इसकी एनर्जी कितनी होगी अगर बीच में मैं एक पॉइंट एक सेंटर मान लेता था जहाँ से ये ऊपर उठ के गया है और यहाँ से ये नीचे उठ के आया है तो मुझे बताइए इसकी जो एनर्जी हुई होगी उस ट्वेंटी जूल्स में से इस ट्वेंटी जूल की टू फिफ्थ होगी यानी टू बाई फाइव मल्टीप्लाइड बाई ट्वेंटी जूल्स वो भी माइनस माइनस का मतलब उतनी कम हो गई होगी इस बेरी सेंटर से जो आपने एक स्टार्टिंग एक सेंट्रल पॉइंट कंसिडर किया था आपने हमने यहाँ कंसिडर किया था कि जो भी ये पाँच ऑर्बिटल हैं उनकी जो भी एनर्जी होगी हमने इसको ज़ीरो माना था तो अब जो इनकी एनर्जी होगी ये जो तीन ऑर्बिटल्स नीचे आई हैं टोटल एनर्जी जो गैप है जो टोटल एनर्जी गैप है उसका टू फिफ्थ नीचे आई होगी उस टोटल एनर्जी गैप का टू फिफ्थ अगर ये बैरी सेंटर में कंसिडर कर लेता हूँ बैरी सेंटर तो टू फिफ्थ एंड वॉट इज़ टू फिफ्थ जीरो पॉइंट फोर टाइम्स ऑक्टाहेड्रल माइनस जीरो पॉइंट फोर टाइम्स ऑक्टाहेड्रल मतलब जितना भी ये डिफरेंस है उसका फोर्टी परसेंट एनर्जी यहां से नीचे गिरा है और सिक्सटी परसेंट एनर्जी इनका ऊपर बढ़ा है टोटल मिला के हंड्रेड परसेंट का एनर्जी गैप आया है मतलब मैं तुमको इस तरीके से भी समझा सकता हूं इस पॉइंट को लेट मी जस्ट टेक अनदर वे ऑफ एक्सप्लेनिंग दिस मान लीजिए एक पहाड़ है देर अ माउंटेन और यहां पर दो लड़के खड़े हैं तो एक लड़का पहाड़ में ऊपर उड़ जाता है इसी तरीके से और वो ये हाइट पे चला जाता है और ये आपको अपने रेफरेंस पॉइंट जीरो रखा हुआ है और एक लड़का जो नीचे गिर जाता है वो उस समय यहाँ पर पहुँचा होता है वो यहाँ रहता है अब अगर मैं इन दोनों के बीच का गैप निकालूँ इन दोनों के बीच का गैप निकालू मान लीजिए वो गैप है हंड्रेड सेंटीमीटर्स का हंड्रेड सेंटीमीटर्स का दोनों के बीच में गैप अरे लेकिन ये तो यहाँ से सिर्फ फोटी सेंटीमीटर नीचे आया और ये यहाँ से कितना गया ये यहाँ से सिक्सटी सेंटीमीटर ऊपर गया मतलब इसके पास इसका सिक्सटी परसेंट है टोटल डिफरेंस का 60 परसेंट ऊपर गया है वो और इसके पास टोटल डिफरेंस का 40 परसेंट और टोटल डिफरेंस इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में गैप कितने का है हंड्रेड का आपको लॉजिक समझ में आया मतलब बढ़ने वाले की एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है पर घटने वाले की उतना उड़ने वाला बहुत ज़्यादा ही ऊपर उड़ गया है और घटने वाला उतना नीचे नहीं गिरा है टोटल एनर्जी में अगर मैं गैप देखता हूँ टोटल हाइट में तो सौ मीटर का डिफरेंस आता है लेकिन जीरो सेंटर से जीरो सेंटर से ये कितना नीचे गया तो जो टोटल गैप है उसका फोर्टी परसेंट निकाल लो उतना नीचे गया टोटल गैप कितना है हंड्रेड हंड्रेड का फोर्टी परसेंट कितना होता है हंड्रेड का फोर्टी परसेंट फोर्टी होता है तो ये 40, अच्छा चलो ये भी हटा देते हैं इसको भी हटा देते हैं मैं ऐसे तुमसे कहता हूँ टोटल गैप है टू फिफ्टी सेंटीमीटर का टोटल गैप टू फिफ्टी दोनों के बीच में इसकी हाइट और इसकी हाइट के बीच में ये ऊपर उड़ गया पहाड़ से और ये नीचे गिर गया पहाड़ से दोनों के बीच में दो सौ पचास सेंटीमीटर का गैप है अगर मैं तुमसे कल से पूछूँ बताओ ये कितना नीचे गया तो जितना भी गैप है उसका फोर्टी परसेंट नीचे चला गया अवॉट इज फोर्टी परसेंट ऑफ टू फिफ्टी वॉट इज़ फोर्टी परसेंट ऑफ तो जीरो पॉइंट फोर मल्टीप्लाइड बाई टू फिफ्टी करके देखो कितना आता है तो जीरो पॉइंट फोर जीरो पॉइंट फोर मल्टीप्लाइड बाई टू फिफ्टी सर ये सौ मीटर नीचे चला गया है इसका जो यहाँ से जीरो से ये सौ मीटर नीचे चला गया है जैसे सौ सेंटीमीटर नीचे चला गया है और ऊपर जाने वाला बंदा क्योंकि ये तो ओवरऑल गैप था ऊपर जाने वाला बंदा कितना गया होगा सिक्सटी परसेंट तो मैं इसको ऐसे लिखूँगा माइनस जीरो पॉइंट फोर इंटू टू फिफ्टी माइनस मतलब उतना नीचे गया इसको सेंटर पॉइंट माना तब उससे ये उतना नीचे गया 40 सेंटीमीटर और ये कितना ऊपर गया होगा 60 परसेंट यानी 0.6 पॉइंट सिक्स मल्टीप्लाइड बाई टू इसका आंसर मुझे और ये प्लस में जाएगा क्योंकि ये ऊपर गया और ये नीचे गया तो ये हो जाएगा माइनस हंड्रेड सेंटीमीटर और ये कितना हो जाएगा मुझे बताओ तो ये हो जाएगा 0.6 पॉइंट सिक्स मल्टीप्लाइड बाई टू आंसर निकल के आता है सर ये प्लस वन अगर अब मैं टोटल ऐड कर दूँ वन फिफ्टी आंसर टू आता है मतलब अगर टोटल डिफरेंस में देखूँ तो दो का है जीरो पॉइंट से ये फोर्टी परसेंट है और ये सिक्सटी परसेंट ऊपर है तो टोटल हाइट में आपने कहीं तो एक जीरो पॉइंट माना होगा जहाँ पे वो पहले खड़े थे जहाँ वो पहले खड़े थे ये ऊपर उड़ गया ये नीचे उड़ गया दोनों के बीच का डिफरेंस दो सौ पचास सेंटीमीटर है अगर मैं तुमसे पूछूँ बताओ ये सेंटर से कितना ऊपर गया तो जो टोटल हाइट है उसका सिक्सटी इसने कवर किया और ये जो नीचे गिरा है उसका फोर्टी इसने कवर किया सिमिलरली जब मैं तुमसे कह रहा हूँ एनर्जी ऑफ एक्स वाई जीरो माइनस जीरो पॉइंट फोर ऑफ डेल्टा ऑक्टाहाड्रल मतलब जो पांच ऑर्बिटल्स आपके सामने थे एक दो तीन चार पाँच जिनकी टोटल एनर्जी को आपने जीरो माना था जीरो माना था थी नहीं वो उसमें से आपने बोला कि सर देखो दो ऑर्बिटल्स ऊपर चली गई और तीन ऑर्बिटल जो हैं वो नीचे चली गई हैं और स्प्लिटिंग क्रिएट हो गई है एनर्जी के बीच में लेवल क्रिएट हो गया है हाई एनर्जी लो एनर्जी हाई एनर्जी वाली वो ऑर्बिटल जो लिगेंड के सामने खड़ी हैं मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था दीज आर टू ऑर्बिटल्स ग्रीन एंड ब्लू जो लिगेंड को फेस करेंगी जेड स्क्वेयर ऑर्बिटल एंड एक्स स्क्वेयर वाई स्क्यर ऑर्बिटल ग्रीन वाली इज एक्स स्वेयर वाई स्क्यर डी एक्सक्वेयर वाईक्वेयर ऑर्बिटल एंड ब्लू वाली इज डी जेड स्क्वायेर ऑर्बिटल अब इन दोनों के बीच में इन दोनों की एनर्जी तो सेम रहेगी क्योंकि ये लिगेंड का मुकाबला करेंगे और बाकी की बची हुई जो तीन ऑर्बिटल्स हैं उनकी एनर्जी कम हो जाएगी अब जिनकी एनर्जी कम हुई है तो टोटल एक गैप क्रिएट हो गया टोटल एनर्जी का जो गैप क्रिएट हुआ है वो कितना हुआ है टोटल एनर्जी का गैप डेल्टा ऑक्टाहाइड्रल हुआ है तो अगर मैं जीरो पॉइंट को अपना रेफरेंस मानू अगर मैं इसको अपना रेफरेंस ये देखिए यहां से लेके यहां तक तो इसका कितना नीचे गिरी है और ये कितना ऊपर बढ़ने वाले की एनर्जी कितनी बढ़ी है और घटने वाले की एनर्जी कितनी घड़ी है तो ये फोर्टी परसेंट ऑफ डेल्टा ऑक्टाहाड्रल एंड दिस सिक्सटी परसेंट माइनस फोर्टी परसेंट अब माइनस मतलब होता है कम होना माइनस इस जैसे इंडिकेशन की कम हुई है और प्लस का मतलब क्या होता बढ़ना सिक्सटी ऑफ डेल्टा ऑक्टाहेड्रल जैसे मैंने यहाँ बताया पहाड़ के वाले एग्जाम्पल में जब पहाड़ से वो बंदे ऊपर एक ऊपर उड़ गया और एक पहाड़ से नीचे गिर गया तो पहाड़ का जो लेंथ था उसको जीरो माना टोटल गैप तुमने बोल दिया टोटल गैप 250 सेंटीमीटर का हुआ है उड़ने वाला बंदा जो होगा 60 परसेंट टोटल लेंथ का ऊपर गया है और गिरने वाला सिर्फ फोर्टी टोटल लेंथ का नीचे आया है मतलब ये अभी तक सौ सेंटीमीटर नीचे पहुँचा था तो तब जाके ये दोस्त ये वन सेंटीमीटर ऊपर पहुँच गया है। तो टोटल लेंथ कितना है दोनों तो के बीच में गैप कितना है ये सौ सेंटीमीटर यहाँ से सौ सेंटीमीटर नीचे आया और ये यहाँ से डेढ़ सौ सेंटीमीटर ऊपर गया टोटल गैप हो गया मेरा 250। जिसमें से ये इज नथिंग बट 40% परसेंट ऑफ टोटल गैप एंड दिस इज 60 परसेंट ऑफ टोटल गैप सिमिलरली अगर टोटल एनर्जी का गैप डेल्टा ऑक्टाहेड्रल है तो जिसकी एनर्जी घटी है नीचे वाले ऑर्बिटल्स की एनर्जी वो 40 परसेंट कम हुई है टोटल एनर्जी का 40 परसेंट उनके पास है उतनी डिक्रीज हुई है जीरो पॉइंट मान लो तो और 60 परसेंट टोटल एनर्जी में ये ऊपर बढ़ी है दिस इज द मीनिंग जिसको हम लिखते समय कैसे लिखेंगे माइनस सिक्स माइनस ज़ीरो पॉइंट सिक्स माइनस जीरो पॉइंट सिक्स डेल्टा ऑक्टा हेड्रल प्लस जीरो पॉइंट सिक्स डेल्टा ऑक्टा हेड्रल और माइनस जीरो पॉइंट फोर डेल्टा ऑक्टा इसी देखो एक फ़र्क मैं तुमको बता देता हूँ अगर आप लोग कोई चीज़ को आउट ऑफ हंड्रेड लेते हो आउट ऑफ हंड्रेड तो वो परसेंटेज कहलाती है अगर आप आउट ऑफ टेन लेते हो तो वो वन टू थ्री में आ जाती है अगर आउट ऑफ वन लेते हो तो वो डेसिमल में आ जाती है इट विल बी अंदर डेसिमल मतलब एग्जाम्पल अगर मैं तुमसे कहूँ फोर्टी परसेंट ऑफ ऑक्टा हीड्रल अगर मैं तुमसे कहता हूँ फोर्टी परसेंट ऑफ ऑक्टाहीड्रल तो तुम लिखोगे फोर्टी फोर्टी डिवाइडेड बाई हंड्रेड मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा ऑक्टा हेड्रल या तुम इसको लिख सकते हो फोर टाइम्स अब देखो ये फोर्टी मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा ऑक्टाहाइड्रल इज़ नथिंग बट जीरो पॉइंट फोर ऑफ डेल्टा ऑक्टाहाड्रल ये और ये कैंसिल हो जाएगा जीरो पॉइंट फोर तो जीरो पॉइंट फोर डेल्टा ऑक्टाहाड्रल यानी जीरो पॉइंट फोर टाइम्स फोर्टी परसेंट ऑफ डेल्टा ऑक्टा इज़ नथिंग बट जीरो पॉइंट फोर डेल्टा ऑक्टाहाड्रल तो बहुत सारी किताबों में हम ये लिखते हैं एक और हम वर्ड यूज़ करते हैं ये लिखते हैं फोर टाइम्स डी क्यू फोर टाइम्स डी क्यू डेट्स नथिंग दैट्स द सेम अब अगर मैं फोर टाइम डी क्यू लिख रहा हूँ अगर मैं इसको फोर टाइम्स डी क्यू लिख रहा हूँ तो ये कितनी हो जाएगी ये सिक्स टाइम्स डी क्यू हो जाएगी ये प्लस सिक्स टाइम डी क्यू ये माइनस फोर टाइम डी क्यू तो या तो आप ऑक्टाहाड्रल में लिखो तो पॉइंट फोर में आएगा और पॉइंट सिक्स में आएगा या आप डी क्यू के टर्म्स में लिखो तो माइनस फोर आ जाएगा और प्लस सिक्स आ जाएगा तो वी हैव समथिंग कॉल्ड एज डेल्टा ऑक्टाहाड्रल एंड वी हैव गॉट समथिंग कॉल्ड एज डी क्यू डेल्टा ऑक्टाहाड्रल जो होता है वो हम किसके टर्म्स में लिखते हैं वो फ्रैक्शन में लिखते हैं वो हम फ्रैक्शन में लिखते हैं यानी आउट ऑफ वन लिखते हैं आउट ऑफ वन और डी क्यू जो होते हैं वो हम किस में से लिखते हैं आउट ऑफ टेन कंपैरिजन टेन के साथ करते हैं अगर दोनों के बीच का डिफरेंस टेन है तो इसका फोर्टी परसेंट कम हुआ होगा और इसका सिक्सटी परसेंट यानी फोर एंड सिक्स फ्रैक्शन में बोलूँ तो ज़ीरो पॉइंट फोर जीरो पॉइंट सिक्स परसेंटेज में कहूँ तो फोर्टी सिक्सटी तो मैं उसको फोर्टी परसेंट लिखूँ जीरो पॉइंट फोर लिखूँ या फोर लिखूँ बात वही है ये आउट ऑफ हंड्रेड हो गया या आउट ऑफ वन हो गया या आउट ऑफ टेन हो गया तो सी सिर्फ स्केल बदल जा रहा है उसका मीनिंग उतना ही होता है उम्मीद करता हूँ यह फंडा समझ में आया होगा यह डेरीवेशन आपको बहुत जल्दी बुक्स में नहीं मिलेगा इस डेरीवेशन को कहीं पर लिख लीजिएगा मैं फिर से बता देता हूँ मैंने क्या किया मैंने इस बिफोर स्प्लिटिंग का कंडीशन लिया जिसमें पाँचों के पाँचों ऑर्बिटल का एनर्जी सेम होगा तो वो फाइव टाइम्स एनर्जी आएगा जिसको मैंने जीरो मान लिया है यू हैव कंसिडर्ड इट एज जीरो अब ये तीनों ऑर्बिटल एक जैसी होंगी ये दोनों ऑर्बिटल एक जैसी होंगी बिहेव करती हैं क्योंकि ये एक्सेल है और ये नॉन एक्सेल है तो इन तीनों को रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने थ्री टाइम्स ई एक्स वाई लिख दिया और इन दोनों को रिप्रेजेंट करने के लिए टू टाइम्स ई जेड स्क्वायर लिख दिया विच इज़ फाइव टाइम्स एनर्जी दैट इज़ जीरो आफ्टर स्प्लिटिंग ये दो ऑर्बिटल जो होंगी वो हायर एनर्जी की हो जाएंगी और ये तीन ऑर्बिटल लोअर एनर्जी की हो जाएंगी तीनों ऑर्बिटल को मैंने ई एक्स वाई से रिप्रेजेंट करूंगा दोनों ऑर्बिटल को ई जेड स्क्येयर से रिप्रेजेंट करूंगा दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो मुझे कहलाएगा डेल्टा ऑक्टाहेड्रल और वॉर इज डेल्टा ऑक्टाहेड्रल ई ई जेड स्क्वेयर माइनस ई एक्स वाई हाई एनर्जी माइनस लोअर एनर्जी दोनों को टू से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि मेरे को यहाँ पे थ्री और यहाँ पे टू आ रहा था दोनों को टू से मल्टीप्लाई कर दिया फिर इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को सब्सट्रैक कर दिया इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट किया सॉ सॉल्व करने के बाद मेरे पास ये आंसर निकल के आया टू फिफ्थ से कम हो जाते तो जितना भी तुम्हारा स्प्लिटिंग हुआ है स्प्लिटिंग कितनी जूल्स का है उसका फोर्टी परसेंट नीचे की तरफ ये गिरा होगा सिक्सटी परसेंट ऊपर की तरफ ये हुआ होगा इससे हमें बहुत कुछ पता चलता है कि बढ़ने वाले की एनर्जी सिक्सटी परसेंट बढ़ी है और घटने वाले की एनर्जी फोर्टी परसेंट घटी है जितना भी ऑक्टाहाइड्रल था और हमने अगर एक सेंटर पॉइंट मान के रखा है बैरी सेंटर जहाँ पर पहले उनकी एनर्जी को हमने जीरो माना है आई होप आपको यह डेरिवेशन समझ में आया होगा तो अगर इसकी एनर्जी फो माइनस फोर डी जीरो माइनस जीरो पॉइंट फोर डेल्टा ऑक्टाहाइड्रल है तो इसकी प्लस जीरो पॉइंट सिक्स डेल्टा ऑक्टाहाइड्रल होगी अब यहाँ पे आपको एक और रिलेशन समझ में आ गया होगा अगर ये आउट ऑफ वन है और अगर ये आउट ऑफ टेन है तो डेल्टा ऑक्टाहाइड्रल इज टेन टाइम्स डी क्यू तभी तो हम ले रहे हैं ये फ्रैक्शन में ले रहे हैं तो ये ये फोर है तो ये टेन फोर हो, हो गया ये जीरो पॉइंट फोर है तो ये फोर हो गया मतलब यहाँ मैंने टेन से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मुझे ये मिल जाएगा टेन से मल्टीप्लाई कर दूँ मतलब इसके और इसके बीच में जो रिलेशन है वो किसका है टेन का तो हम यूँ कह सकते हैं कि डेल्टा ऑक्टा हेड्रल और बी क्यू के बीच में रिलेशन किसका है टेन का स्केल का फर्क है परसेंटेज ले रहे हो फ्रैक्शन ले रहे हो आउट ऑफ टेन ले रहे हो सिर्फ स्केल का फर्क है एज सच समझ में आया तो ऑक्टा हेड्रल के टर्म्स में लिखोगे तो माइनस जीरो पॉइंट फोर आएगा और प्लस जीरो पॉइंट सिक्स आएगा और अगर आप आउट ऑफ टेन लिखते हो तो फोर आएगा माइनस फोर आएगा और प्लस सिक्स आएगा अब ये हो जाएगा डी क्यू ये भी हो जाएगा डी क्यू ये हो जाएगा डेल्टा ऑक्टाहाड्रल ये हो जाएगा डेल्टा ऑक्टा तो फाइनली वॉट द ग्राफ आई गैट इज़ कि अगर मेरे पास पाँच ऑर्बिटल्स थी जिनकी एनर्जी इक्वल थी तीन ऑर्बिटल्स की दो ऑर्बिटल्स की एनर्जी 60 परसेंट से ऑलमोस्ट बढ़ जाती है माइनस जीरो पॉइंट प्लस जीरो पॉइंट सिक्स टाइम्स डेल्टा ऑक्टा हेड्रल या प्लस सिक्स डी क्यू से बढ़ जाती है अगर इसको तुमने सेंटर पॉइंट मान के रखा है और ये कौन सी ऑर्बिटल होती हैं दीज आर ईजी ऑर्बिटल और दो ऑर्बिटल्स हो तीन ऑर्बिटल्स होती हैं जिनकी एनर्जी घट जाती है माइनस जीरो पॉइंट फोर डेल्टा ऑक्टा हेड्रल या माइनस सिक्स माइनस फोर डी क्यू माइनस फोर डी क्यू और ये ऑर्बिटल कौन सी होती हैं ये टी टू जी ऑर्बिटल होती है मतलब यहाँ पे सिक्सटी परसेंट राइज होता है और यहाँ पर फोर्टी परसेंट फॉल होता है फोर्टी परसेंट ऑफ द टोटल एनर्जी गैप ये जितना भी टोटल एनर्जी गैप है दोनों के बीच में अगर वो डेल्टा ऑक्टाहीड्रल है और अगर ये सेंटर पॉइंट है तो फोर्टी परसेंट ऑफ टोटल एनर्जी यहाँ घटी है और सिक्सटी परसेंट ऑफ द टोटल एनर्जी वहाँ पर बढ़ी है दिस इज हाउ यू कैन रिमेंबर दिस तो सिक्सटी फोर्टी ई जी टी टू जी ना सो so, ये डेरीवेशन एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन था बहुत बार बच्चे मुझसे क्वेश्चन पूछते सर ये वैल्यूज आई कहाँ से हमने कैसे ये माइनस जीरो पॉइंट फोर या माइनस जीरो पॉइंट सिक्स प्लस जीरो पॉइंट सिक्स हमने कैसे निकाला क्यों निकाला कहाँ से निकाला तो ये उसका एक छोटा सा डेरीवेशन है जहाँ से आप इसको कर सकते एक सिंपल मैथामैथिक फॉर्मूला लगा के मिलते हैं अगले वीडियो में जहाँ पे हमें डिस्कस करना है क्रिस्टल फील्ड थियोरी इन टेट्रा हेटल कॉम्प्लेक्सेस अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हो अगर आप मेरे पूरे कोर्सेस देखना चाहते हो कॉर्डिनेशन केमिस्ट्री इन बाकी सब चैप्टर्स के मेरा ऐप डाउनलोड कर सकते हो जहाँ पर मैंने सारे कोर्सेस डिजाइन करके रखे हुए हैं कॉर्डिनेशन केमिस्ट्री फिलहाल जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो रनिंग में है अभी तक ये कंप्लीट नहीं हुआ बढ़िया धीरे धीरे इसके अंदर सब कुछ आ जाएगा फ्रॉम इलेवन ट्वेल्थ स्टैंडर्ड से लेकर मास्टर्स लेवल तक लेट्स मी डि नेक्स्ट वीडियो बेक कर एंड गॉड ब्लेस यू